फ्रेंड्स वेलकम टू ज्ञान यार। दोस्तों सीएमएसईडी कोर्स के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं, कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग करने की सोच रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके कुछ ऐसा सवाल दोस्तों जो डाउट्स हैं आपके मन में, आपने मुझे कमेंट्स किए और उन्हीं कमेंट्स को उठा के भाई ये वीडियो बनाया। दोस्तों उन सारे कमेंट्स का आंसर इस वीडियो में मिलने वाला है, जो कि सीएमएसईडी से संबंधित सवाल है दोस्तों जो हर व्यक्ति के मन में आ सकते हैं। इसलिए मैंने दोस्तों आज इन्वाइट किया है राजेश जी को, इनसे बात करेंगे जो कि विशेषज्ञ हैं दोस्तों, सीएमएसईडी के करा रहे हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में बच्चों को, और कई लोग इनके यहाँ से सीएमएसईडी कर चुके हैं, तो इनसे जानेंगे सारी चीज़ें जो आप जानना चाह रहे हैं। तो मैं स्वागत करना चाहूँगा दोस्तों राजेश जी का, और पहला सवाल यह है, हमारे व्यूअर्स पूछते हैं क्या वो सीएमएसईडी को ऑनलाइन कर सकते हैं, वो दिल्ली में नहीं रहते हैं, वो बाहर रहते हैं, कलकत्ता में रहते हैं, तो क्या वो कर सकते हैं? कर सकते हैं तो क्या उनको मान्यता मिल पाएगी और ये कितना मान्य रहेगा? सबसे पहले आपको और आपके व्यूअर्स को नमस्कार है। अब आते हैं प्रश्न के ऊपर। तो जी हाँ, आप सीएमएसईडी कम्युनिटी मेडिकल सर्विस एंड एसेंशियल ड्रग्स का कोर्स ऑनलाइन कर सकते हैं। यह एक महत्वपूर्ण कोर्स है और आप दिल्ली या किसी अन्य राज्य से यह कोर्स कर सकते हैं, और इसकी मान्यता को लेकर कोई समस्या नहीं होगी, बशर्ते आप किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से यह कोर्स करें। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि वह संस्थान सही और मान्यता प्राप्त हो, जिससे कि आपके कोर्स की प्रामाणिकता और मान्यता बनी रहे। आप कोलकाता में रहते हुए भी दिल्ली से यह कोर्स कर सकते हैं। दूसरा सवाल यह है कि लोग बता रहे हैं कि सीएमएसईडी करना ठीक रहेगा क्या, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो इसके बारे में बताइए। ओके, सीएमएसईडी कोर्स के बारे में लोगों की मिली जुली राय हो सकती है। यह कोर्स उन लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है जो लोग ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक चिकित्सा सेवाएं प्रदान करना चाहते हैं, फुल फ्लैश क्लिनिक नहीं, प्राइमरी मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं। हालांकि यह महत्वपूर्ण है कि आप यह कोर्स किसी मान्यता प्राप्त और प्रतिष्ठित संस्थान से ही करें, ताकि आपको इसकी सही वैल्यू और मान्यता मिल सके। अगर आप एलोपैथ में प्राथमिक उपचार करना चाहते हैं और अगर आप MBBS नहीं है, तो आपके पास कम से कम सीएमएसईडी का सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। इवन अगर आपने कोई अन्य कोर्स जैसे नर्सिंग और फार्मेसी भी कर रखा हो, तब भी आपको सीएमएसईडी करना होगा। नर्सिंग और फार्मेसी के बेसिस के ऊपर आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते या इवन प्राइमरी ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरा सवाल यह है कि पहले ये 18 महीने का था, अब ये 24 महीने का हो गया, इस तर्क को थोड़ा समझाइए आप। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि पहले सीएमएसईडी का कोर्स 18 महीने का था। निश्चित रूप से इस सिलेबस का उद्देश्य, 18 महीने के सिलेबस का उद्देश्य हेल्थ सर्विस को इफेक्टिव बनाने हेतु रिक्वायर्ड स्किल एंड नॉलेज प्रदान करना था। लेकिन अभी हाल ही में भारत सरकार द्वारा एक नया कानून, जिसका नाम है द नेशनल कमीशन फॉर एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशन एक्ट 2021, पारित किया गया है। इस एक्ट के माध्यम से भारत सरकार ने पैरामेडिकल सेक्टर इंक्लूडिंग सीएमएसईडी होल्डर के प्रैक्टिस हेतु एक महत्वपूर्ण परिवर्तन इस अधिनियम के माध्यम से लाया था। सीएमएसईडी का 18 महीने का सिलेबस चेंज करके 2 वर्ष का डिप्लोमा मैंडेटरी कर दिया गया है। इस एक्ट के सेकंड पेज के पैरा 2 के सब पैरा डी को आप पढ़ेंगे तो इसमें क्लियरली लिखा है कि आपका डिप्लोमा मिनिमम 2 ईयर का होना चाहिए। मतलब साफ है कि 2 ईयर का डिप्लोमा होना प्राइमरी ट्रीटमेंट उपलब्ध कराने के लिए मैंडेटरी है। अब कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो ये कहें कि उन्होंने पहले से ही 2 साल का डिप्लोमा कर रखा है, तो उनको मैं बताना चाहूंगा कि जब पहले 18 महीने का सिलेबस अप्रूव था, उन दिनों में आपका 24 महीने का किया हुआ सीएमएसईडी मान्य नहीं हुआ। हमने देखा है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट इस एक्ट के आने के बाद 2 साल का फर्जी डिप्लोमा इशू किया। तो वैसे लोगों को मैं ये बताना चाहूंगा कि जिस पीरियड में 18 महीने का सिलेबस अप्रूव होता था, उस पीरियड का आपका 24 महीने का किया हुआ सीएमएसईडी रजिस्ट्रेशन और एनओसी हेतु कंसीडर नहीं किया। देन इट मींस दिस टाइप ऑफ प्रैक्टिशनर रिक्वायर्ड टू अंडरटेक अ 6-month कैप्सूल कोर्स दैट सर्व्स टू अपडेट एंड अलाइन देयर नॉलेज विद द रिवाइज्ड लॉ। जी हां, वैसे लोगों को 6 महीने का कैप्सूल कोर्स करना होगा, समाज में हम रिस्पेक्ट के साथ प्रैक्टिस कर सके और बिना डरे प्राइमरी ट्रीटमेंट उपलब्ध करा सके। इसके लिए हमारे लिए आवश्यक है कि हम जरूरी नियमों का पालन करें। यह 2021 का एक्ट
प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर के प्रैक्टिस पर बहुत ही गहरा प्रभाव डालेगा, और इसीलिए यह आवश्यक है कि हम लोग इस लेटेस्ट चेंज को समझें और आवश्यक कदम उठाएं ताकि लीगल तरीके से प्रैक्टिस कर सके। अगर हम प्रोएक्टिव रहेंगे, आवश्यक जरूरी कदम उठा लेंगे, तो निश्चित रूप से समाज में इज्जत के साथ बिना टेंशन प्राइमरी ट्रीटमेंट उपलब्ध करा पाएंगे। इस एक्ट के माध्यम से पैरामेडिकल की जो सबसे बड़ी कैटेगरी है, जैसे मेडिकल लैब टेक्नीशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, एक्सरे टेक्नीशियन, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन एंड कम्युनिटी केयर, जिसके अंतर्गत सीएमएसएनईडी आता है, ये प्रोफेशन शामिल किए गए हैं। भारत सरकार के 2021 के एक्ट में यह प्रावधान किया गया था कि भारत सरकार के तर्ज पर देश के अन्य राज्यों में भी स्टेट अलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल का गठन किया जाएगा, और इस तरह से कई राज्यों ने काउंसिल हेतु नोटिफिकेशन इशू कर दिया है, तथा अन्य राज्य जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, ऐसे अन्य राज्य जल्दी से जल्दी काउंसिल गठित करने की कार्रवाई कर रहे हैं। ये काउंसिल जब तक पूरी तरह से फंक्शनल होती है तब तक समझदारी इसी में है कि आप काउंसिल की जरूरत के हिसाब से डिग्री एक्वायर करें। अच्छा, इसमें तीसरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये सीएमएसडी करने के बाद आपको डिग्री या डिप्लोमा भी जरूरी है के साथ में? जी, सीएमएस एंड ईडी कम्युनिटी मेडिकल सर्विसेज एंड एसेंशियल ड्रग्स कोर्स के साथ कोई अन्य डिप्लोमा होना अनिवार्य नहीं है। अगर आपके पास 2 साल का सीएमएस एंड ईडी है, दोबारा बताना चाहूंगा, वैलिड वाला, फर्जी वाला नहीं, तो आपको कोई अन्य कोर्स करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि इसके साथ अगर आपके पास प्रॉपर 2 साल वाला ईएमटी है तो फिर सोना में। अच्छा, ये पूछ रहे हैं कि इन्होंने कर लिया सीएमएसईडी पहले, लेकिन अब बोल रहे हैं कि 24 महीने वाला करना है, अब उनको कोई प्रॉब्लम होगी कि नहीं? अब उनके पास तो पहले जी हाँ, देखिए, अगर आपका सीएमएस एंड ईडी कम्युनिटी मेडिकल सर्विसेज एंड एसेंशियल ड्रग का कोर्स पहले ही आपने कर रखा है और पूरा हो चुका है, तो आपको दोबारा यह कोर्स करने की जरूरत नहीं है। आप जो कोर्स पहले ही कर चुके हैं उसकी मान्यता और प्रामाणिकता आपके प्रमाण पत्र पर निर्भर करेगी। मैं बार बार यही कहूंगा कि 2 साल का वैलिड कोर्स होना चाहिए, ये आपको सुनिश्चित करना है कि आपके पास जो प्रमाण पत्र है वह मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा जारी। अच्छा, बिहार में ये वैलिड है कि नहीं, ये जो कोर्स अपना सीएमएसडी? जी, जैसा कि हमने बताया कि हाल ही में नया कानून भारत सरकार द्वारा पारित किया गया है, और यह नया कानून पूरे भारत में सामान्य रूप से लागू है, भारत के हर राज्य में समान रूप से लागू है, और इसमें बिहार भी शामिल। अच्छा, बिहार में कोई अच्छा सा कॉलेज बताइए जो कि सीएमएसईडी के लिए हो, ऐसा पूछ रहे हैं लोग। अच्छा कॉलेज? जी, आप किसी भी प्रतिष्ठित और मान्यता प्राप्त संस्थान से यह कोर्स कर सकते हैं जी। अगर चाहें तो एचसीटीएम के माध्यम से भी यह कोर्स कर सकते हैं। एचसीटीएम अपने स्टूडेंट्स के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। ओके, फीस सीएमएस एंड ईडी की फीस इस बात पर निर्भर करती है कि आप यह कोर्स किस संस्थान से करते हैं। कई फर्जी संस्थान यह कोर्स 10,000 और 20,000 रुपए तक में करवा देते हैं, और हमारे यहां इस कोर्स को कंप्लीट 2 साल का फीस 50,000 रुपए के आसपास है। अच्छा, इसमें एनओसी का भी बड़ा इशू है कि ये करने के बाद एनओसी मिलेगी नहीं मिलेगी? ओके, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपने कोर्स कहां से किया है, और वैसे भी इस नए कानून के तहत सभी प्रैक्टिशनर के लिए स्टेट एवं सेंटर का रजिस्ट्रेशन आवश्यक हो जाएगा। बिहार में कोई अच्छा सा कॉलेज बताइए, संस्थान बताइए, कहां से किया जाए। ओके, बिहार में कोई अच्छा कॉलेज जो सीएमएसईडी के लिए हो? मुझे बिहार के किसी वैलिड संस्थान के बारे में जानकारी नहीं है जी, शायद बिहार में वैलिड संस्थान है ही नहीं। हालांकि अगर आप चाहें तो एचसीटीएम से ऑनलाइन सीएमएसएनईडी कर सकते हैं, या बिहार के साथ साथ भारत के हर राज्य में वैलिड। अच्छा, सीएमएसईडी करने के लिए एचसीटीएम से करना है तो क्या करें? सीएमएसएनईडी आप एचसीटीएम से कर सकते हैं, तथा विशेष जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप 8595132436 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। सवाल है कि मेरा सीएमएसईडी चल रहा है और इसको रजिस्ट्रेशन करना होगा? अगर आपने वैलिड लीगल जगह से कोर्स किया है तो आपको कुछ नहीं करना जी, वो अपने आपके राज्य में जैसे ही अलाइड हेल्थ काउंसिल का रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाता है तो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देना जी। कई राज्य में ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, कई राज्यों में अभी यह प्रक्रिया जी। अच्छा,
लेकिन अगर आपके पास आपका सर्टिफिकेट सही नहीं है तो समय रहते सही जगह से आपको ये दोबारा कोर्स कर लेना चाहिए। अच्छी लोकेशन बताइए कहाँ लोकेशन है। ओके, सीएमएस एंड ईडी कोर्स को करने के लिए एक प्रमाणित और मान्यता प्राप्त संस्थान का चयन करना चाहिए। आप एचसीटीएम से यह कोर्स कर सकते जी। अच्छा, यहाँ पे पूछ रहे हैं भैया जी, अगर किसी ने पहले ही सीएमएस ईडी कर लिया है तो उसे क्या करना है, मतलब नए सिरे से क्या करना चाहिए? महत्वपूर्ण यह है कि आपने कौन सा वाला सीएमएस एंड ईडी किया है, वैलिड या फर्जी। अगर वैलिड किया है तो खुश होना चाहिए, अगर फर्जी किया है तो समय रहते नए सिरे से वैलिड कोर्स कर लेना चाहिए। अच्छा, आरएमपी सर्टिफिकेट कहां से लें, ये भी पूछते हैं कुछ लोग। आरएमपी सर्टिफिकेट बैन हो चुका है। अगर आप प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराना चाहते हैं तो सीएमएस एनईडी करना पड़ेगा। सीएमएस एनईडी करने के बाद डिस्ट्रिक्ट सीएमएस से परमिशन लेना पड़ती है क्या? क्या कई लोगों को मिलती नहीं है? ओके, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपने कोर्स कहां से किया है, और वैसे भी इस नए कानून के तहत सभी प्रैक्टिशनर के लिए स्टेट एंड सेंटर का रजिस्ट्रेशन। एक बहुत बड़ा कमेंट है, हमारे क्षेत्र में अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय है, हेल्थ केयर फर्स्ट एड के कुछ डिप्लोमा कोर्स कराए जा रहे हैं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? स्कैम तो नहीं, कहीं कोई स्कैम तो ना हो? क्या क्लिनिक ओपन हो पाएगा नहीं हो पाएगा कि अटल बिहारी करके है कोई कॉलेज? ओके, अगर हम द नेशनल कमीशन फॉर एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशन एक्ट को डिकोड करें, जो बात महत्वपूर्ण निकल कर आ रही है वो ये है कि आपका डिप्लोमा वैलिड होना चाहिए और मिनिमम 2 साल का होना चाहिए। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। अच्छा, तो BNYS कोर्स के बारे में बताइए, तो क्या है ये BNYS कोर्स? करना चाह रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स, इसके बारे में जानना चाहते हैं। सबसे पहले मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि अगर आप एलोपैथ में प्राइमरी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आपके पास सीएमएस एंड ईडी का सर्टिफिकेट होना आवश्यक है, बाकी सारे कोर्सेज बाद की बात। अब अगर हम इन कोर्सेज की बात करें, यदि कोई प्रैक्टिशनर अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखना चाहता है, कैटेगरी ए में डॉक्टर लिखना चाहता है और अपना खुद का बोर्ड और लेटर पैड यूज करना चाहते हैं, तो उन्हें किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज से डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस BNYS या बैचलर इन नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस BNYS कोर्स करना चाहिए। ये बहुत ही डिमांडिंग कोर्स है और इसमें इनडिफरेंट अपॉर्चुनिटीज है। आने वाले समय में यह भी संभावना है कि यह कोर्स नीट के अंतर्गत आ जाए। ये प्राकृतिक चिकित्सा को न केवल बड़े अस्पतालों में इसकी मांग रहेगी, बल्कि निकट भविष्य में सरकारी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी इसके लिए काफ़ी सारी वैकेंसीज आएंगी। HCTM में हम BNYS कोर्स भी चलाते हैं जिसकी अवधि 2.5 साल की होती है और इस पूरे कोर्स की फीस, 2.5 साल के कोर्स की फीस मात्र 42,000 होती है और आप ये इस फीस को किस्तों में दे सकते हैं। और वहीं BNYS कोर्स की जो पीरियड होता है, अवधि होता है, वो 5.5 साल का होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपना समय हमारे लिए दिया है और आई होप सभी को ये क्लियर हो गया होगा, तो थैंक यू सो मच आपने जी। धन्यवाद, हमें उम्मीद है कि ये जानकारी आपके दर्शकों के लिए उपयोगी होगी। यदि किसी को अधिक जानकारी चाहिए या किसी को किसी कोर्स में दाखिला लेना है तो वे हमारी वेबसाइट hctm.in पर विजिट कर सकते हैं। आप चाहें तो हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8595132436। सो बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, और आई होप आप लोगों को भी सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, सीएमओ के डाउट्स या रजिस्ट्रेशन के डाउट्स या कॉलेज कौन सा अच्छा है, फीस क्या रहेगा, कितने साल का है, सारी चीज़ों को कवर कर लिया है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनके भी डाउट्स क्लियर हो सकें, और लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों HCTM का, वहाँ से आप जाके एडमिशन ले सकते हैं या कॉल कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।